ब्राह्मण देव खासा खासा जमीन पर लौट गए, जैसे लौटे बलराम आए, बलराम आए, बलराम कह लगे कन्हैया भैया, हाँ भैया ये ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? अगर हमारे राज्य में मर गए तो हमें हत्या लगेगी, जहाँ से आए हैं इन्हें छोड़ के आओ। कन्हैया कह लगे भैया जी तो हम सोच रहे थे बड़े भैया की आज्ञा मिल जाती तो ब्राह्मण देव को छोड़ आते। बलराम बोले हाँ ठीक है छोड़ने चलो, रथ तैयार करो, ब्राह्मण देव को रथ में बैठाओ, जब तक बड़े भैया रथ देखत रहे दिखाई देते रहो तब तक भगवान रथ जमीन जमीन ले गए। और देखो भगवान ने कि भैया अब नहीं देख रहे, आड़ में हो गए दिखाई नहीं दे रहे, भगवान सोचने लगे रथ अगर जमीन जमीन ले गया तो ये रथ कल तक भी नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं इस रथ को मैं ऊपर आसमान में उड़ा दूं। भगवान बोले नेत्र बंद करो ब्राह्मण देव, तुम्हें सिनेमा दिखाएंगे। ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु जू कैसे सिनेमा जो आंखें बंद करके देखो जय। भगवान कहने लगे जो ये ऐसा सिनेमा है कि अपने अंदर आवागमन अपने अंदर ज्ञात होता है अवगत होता है, जब तक मैं न कहूं तब तक नेत्र मत खोलना। बोले ठीक है, जैसे ही ब्राह्मण देव ने नेत्र को बंद करे तो क्या करो भगवान। अरे 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 सरदार भाई की रे रथ अमर में उड़ाई और दशा देखी की कंठ की आसमान लग दो रथ लगते आसमान में उड़ा दो, अगर ऊपर से हम नीचे गिरे तो कछु न रहे हो। श्रोताओं भगवान ने सिर्फ तीन घड़ी में रथ अलोका मैया के मंदिर के पीछे उतारो है, अलोका मैया के मंदिर के पीछे भगवान ने रथ उतारो। ब्राह्मण देव से कही है ऐसो करो बासे कैदी हो जाएगी, पूजा के बहाने चली आए वरना मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु आप जाना मत, वो जरूर आएगी। ब्राह्मण देव जाकर के रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी चली जाओ पूजा के बहाने, वहां तुम्हें मिल जाएंगे, वो मंदिर के पीछे खड़े हैं। लेकिन लली एक बात बता, वो सकल को न सूरत को का देख के रीझ गई थी, कादे गिरीज गई हैं कालो कलूता रखो है। रुक्मिणी कहने लगी बस खबरदार ब्राह्मण जो मेरे कन्हैया को तुमने काला किया, शायद आपको नहीं मालूम है कि काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, श्याम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे मेरे कृष्ण ऊपर से तो काले लेकिन दिल की परख नहीं की आपने, अभी कालिया कह रहे हैं मेरे कृष्ण से काए। जवाब दिया लोका मैया के मंदिर के पीछे हैं। क्या बोले हाँ पूजा के बहाने चली जाओ। रुक्मिणी जैसे थाल तैयार करके चली, ब्राह्मण बोले खाना तो खवाए दे। रुक्मिणी कहने लगी बाबा जी कि भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण देर हमें हो जावेगी और मेरे कृष्ण की सूरत आवा मंदिर से रम जावेगी। और देखो जब हम द्वारिका पहुंच जाए तो नगर द्वारिका आइयो तुम और एक प्रकार की कहे कौन छप्पर प्रकार के पियो तुम, छप्पर प्रकार के व्यंजन खिलाऊंगी मेरी द्वारिका में आना। इतना कह के रुक्मिणी चली और जैसे ही रुक्मिणी चली रुक्म आ गया, तैयारी है भैया का तैयारी है भैया
पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने बिल्कुल नहीं, कल तेरी बारात आएगी, परसों अपनी ससुराल जाएगी, आज बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। रुकमणी बोली, भैया मंदिर में पूजा करवे तो मैं छोटे से जाती हूँ, जरूर जाऊंगी। नहीं मानेगी, ऐसा कर दो चार लड़कियों को साथ में ले ले चली जा। रुकमणी ने दो चार लड़कियां लई, महाराज लेके चली रुकमणी लेके चली। और जैसे ही रुकमणी लेके चली तो सोचने लगी, लाओ जाती तो हुई मम्मी से मिलती चलूं। और मेरी माता एक बात याद रखना, आपकी बेटी कितना भी गलत कार्य करेगी लेकिन बेटी की आत्मा माँ की तरफ बहुत होती है, बहुत होती है। माँ के कान में जरूर डाल देगी बेटी, माँ समझ पाया ना समझ पाया, पूरी बात कह दी। इधर रुकमणी माँ के गले लग करके रोई, जवाब दो मैया मैं जा रही हूँ। शुद्धमती बोली, पागल है बेटिया, तीन दिन आए, आंख से रोएगी तो यहाँ की सूख जाएगी, तू बीमार पड़ जाएगी। रुकमणी कह लगी, मैया तू जो समझ लेगी तेरी लली आज ही जा रही है। पूरी बात कह दी लेकिन माँ ना समझ पाई बिटिया का कह गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रुकमणी चली, इधर भगवान इंतजार कर रहे हैं। इधर रुकमणी चली, भगवान सोचने लगे, वाह वाह ब्राह्मण देव वाह, हमने एक रुकमणी बुलाई, ये तो लाने की लान चली आ रही, इतनी की जरूरत कायम हो तो केवल एक रुकमणी की जरूरत है। और इधर रुकमणी भी सोचने लगी, शायद मेरे प्रभु मुझे नहीं पहचान पा रहे। आपका बेटा राजवीर और रितेश।